15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी डे सारे देश में मनाया जाता है। एक कैंप भी लगा रहे हैं, जो पुअर लोग हैं उनके लिए कम से कम एक सर्जरी जो है वो फ्री भी करी जाए। कुचली हुई टांगें या कुचले हुए हाथ जो है उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर रवि महाजन, अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर का चीफ प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी डे सारे देश में मनाया जाता है और अब इसको इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मनाना शुरू कर दिया गया है। तो ये जो इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लोगों को सुंदर करने के लिए ही होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत जो अहम हिस्सा है वो कॉस्मेटिक सर्जरी का होता है, जिसमें लोगों को सुंदर बनाया जाता है, जिसमें कि आप नोज़ जॉब आपने सुना होगा, लाइपोसक्शन करी जाती है, टमी टक किया जाता है और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो किए जाते हैं। तो ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन इसकी महारत रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्लास्टिक सर्जरी का एक जो बहुत अहम हिस्सा है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन जो किसी का जो कोई पार्ट है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं बना होता या मिसिंग होता है, उसमें वो जन्मजात हो सकता है या कोई चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट के बाद जो है कोई विकृति पैदा हो सकती है या कोई हिस्सा कट जाता है उसको दोबारा से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से जो कुचली हुई टांगें या कुचले हुए हाथ बाजू जो है उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जबकि कईयों को कैंसर होता है तो कैंसर में शरीर का कोई हिस्सा निकाल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जबड़े का कैंसर है तो उसमें कैंसर सर्जन जो है वो उस हिस्से को उनको निकालना पड़ता है। अब उसके निकालने के बाद ताकि जो मरीज़ है वो एक प्रॉपर लाइफ जी सके उसके लिए उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी पार्ट जो है वो प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। इसी तरह जो पेशेंट्स जल जाते हैं या जलने के बाद उनमें कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं तो उनका इलाज भी प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। सो प्लास्टिक सर्जरी डे जो था वो 2010 में हमारी एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। उसमें जो पर्पस था एक तो ये था कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए ताकि लोगों को पता चले कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या किया जाता है ताकि वो उसका लाभ उठा सकें, और एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही वो इस तरह की सर्जरी जो है करवाएं ताकि उनको एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल सके। और दूसरा जो इसमें एक सोशल एंगल था वो ये था कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से सभी मेंबर्स को ये बोला गया है कि उस दिन जो समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक सर्जरी जो है वो फ्री भी करी जाए। और इसी के तहत हम अमनदीप हॉस्पिटल में 15 तारीख को एक कैंप भी लगा रहे हैं जिसमें हम जो हमारे जो नए पेशेंट्स होंगे प्लास्टिक सर्जरी के उनको टोटली फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, और उसमें हम जो है कुछ मरीज़ों को जो है वो चुनेंगे जो कि बहुत गरीब हैं और उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी जो है वो फ्री करी जाएगी, उनको हम फर्दर डेट्स देंगे। और इसी तरह से कुछ और जो पेशेंट्स हैं उनको भी चुना जाएगा जिनको जो सब्सिडाइज्ड तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करी जा सकती है। इसके अलावा भी हम अमनदीप हॉस्पिटल में दो चीज़ों का इलाज जो है पुअर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री करते हैं, और उसमें स्माइल ट्रेन की मदद के द्वारा जो जन्मजात होंठ कटे होते हैं या तालू कटा होता है उसका इलाज फ्री किया जाता है, और जो जलने के बाद विकृतियां पैदा हो जाती हैं उसका इलाज भी बर्न हीलिंग फाउंडेशन जो कि एक दिल्ली की संस्था है उसकी मदद से फ्री किया जाता है। सो मैं प्लास्टिक सर्जरी डे पे अपने जो प्लास्टिक सर्जरी कलीग्स हैं उनको सबको ये बधाई देता हूँ और उनको भी ये आह्वान करता हूँ कि वो इस दिन प्लास्टिक सर्जरी की इम्पोर्टेंस के बारे में और प्लास्टिक सर्जरी की टोटल स्पेक्ट्रम के बारे में लोगों को जानकारी दें। थैंक यू।